बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तारिक फूड सीक्रेट में मैं आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ, साथ में व्यू लेकर आया हूँ रमज़ान के हवाले से, विंटर के हवाले से। जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनेगी, दूध और फ्रूट और रूह अफज़ा से बनेगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है हम शरबत बनाएंगे। तो चलें, मैं रेसिपी की तरफ चलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ और साथ आपको व्यू भी दिखाता हूँ। शाम का वक्त है, अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम है, तो मैंने कहा चलें सही है, मैं रेसिपी भी बना देता हूँ बाहर आके और आपके साथ व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, पुराने दोस्त लाइक कर दिया करें, ये आप दोस्तों की तरफ से एक इनाम और प्यार होता है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहले मेरे पास कॉकटेल फ्रूट है, तो ये मिक्स फ्रूट होता है, तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ मेरे पास जेली है, ये जो जेली है पाइन एप्पल फ्लेवर में है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। टुकड़ों में मैंने कर ली है, तो साथ में मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है ये शरबत तैयार होगा। तो इसके साथ मेरे पास शुगर सिरप है, तो ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चीनी वाला है, तकरीबन 6 से 7 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड की थी। अब मेरे पास इस्माकोल है, इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो ये रेसिपी में जब डालेंगे तो गर्मियों में या रमज़ान में इफ्तारी के बाद आप जब पियेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनेगी। तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे, ये करेंगे। जी, इस्माकोल ऐड करने के बाद अब बादाम हैं, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनेगी। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने दोस्त लाइक कर दें, ये जनाब आपकी तरफ से एक इनाम और प्यार होता है। जी, अब इसके अंदर दूध ऐड कर देते हैं। डब्बे वाला दूध है, मैं वो ऐड कर रहा हूँ, आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते। मिक्स करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। अभी तो रूह अफ़ज़ा बाकी है, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर और आऊँगा, तो आप लाजमी लाइक किया करें। जी, आप इस ड्रिंक को ऐसे भी रूह अफ़ज़ा के बग़ैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं रूह अफ़ज़ा लाजमी ऐड करूँगा। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रिंक बनेगा, रमज़ान में आप बनाएं या गर्मियों के सीज़न आ रहा है, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, आप उसमें बनाएं, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। माशाल्लाह, चेक करें कितना ज़बरदस्त कलरफुल ये जो है हमारा ड्रिंक बना है। जी, अब इसके अंदर मैं रूह अफ़ज़ा पे ज़रूरत ऐड कर दूंगा, जितना इसका कलर चाहिए, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है इसका कलर ऊपर आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी अल्लाह की कुदरत के रंग देखें, माशाल्लाह, जिसने हमें इतनी इनामतों से नवाजा है। तो आप इफ्तारी में ज़रूर इसको इस्तेमाल करें या गर्मियों में आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मेहमान आ जाएँ आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारी है। जी, अब इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना बर्फ़ ऐड कर देता हूँ, आइस इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो तारिक को दें इसी रेसिपी के साथ इजाज़त, अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़। फ़ी इमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।